हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ वर्षा। मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका अर्बन बॉडी केयर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी हेल्दी खाने खा रहे हैं, अपना ख्याल रखेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और हमें अपने स्किन का बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखना पड़ेगा। जैसे मतलब हम अपने ठंडियों में अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, सेम उस तरीके से हमें गर्मियों में भी अपने स्किन की केयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर आप इन समर्स में यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मॉइस्चराइजर है गाइज, ये बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है। सारे मॉइस्चराइजर मैंने खुद के पैसों से परचेस किए हैं, इन्हें काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ किया है, तो इन सारा रिजल्ट मेरे स्किन पे है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी स्किन टाइप जो है वो ड्राई टाइप है, उसमें से जो कुछ मॉइस्चराइजर, कुछ जेल है, कुछ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, सारे टाइप के मॉइस्चराइजर मैंने यूज किए हैं और उन सब का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मॉइस्चराइजर है ये है फ्रॉम द ब्रांड बायोडर्मा। तो ये अल्ट्रा नरिशिंग क्रीम है और ये गाइस एक क्रीम बेस्ड क्रीम है। मतलब ये व्हाइट, देखिए इसका कलर ऐसा है, ये ऐसे कलर में आता है और मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। एंड गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है और आपको ये मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप चाहे तो इसके स्किप कर सकते हैं। बट मेरी स्किन ड्राई है और साथ ही साथ में जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है, तो वो ये मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करते हैं। बिकॉज ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो आपके फेस पे हार्म करेगा। ड्रामा की जो क्रीम है ये स्पेशली डिजाइंड है फ्रॉम द सेंसिटिव स्किन, यानी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो इसे ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली डिजाइंड है फॉर द सेंसिटिव स्किन पीपल, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो इसे जरूर यूज करें, बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं स्किन में फटाक से अब्सॉर्ब हो जाता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं फील होता है। सो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इसे मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा पैकेट है, इससे पहले मैं पिंक वाला यूज करती थी, देन दिस वन ब्लू वन, और दोनों मुझे सेम ही लगे, मतलब दोनों मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और साथ ही साथ में ड्राई और नेचुरल टाइप, ड्राई और कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है, तो आप इसे एक बार जरूर यूज करें, इट इज वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये है निया की डे जेल क्रीम। एंड गाइज, इसमें क्या है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें एलोवेरा जेल है, कुकुम्बर जेल है, और साथ ही साथ में इसमें SPF 50 भी है। तो इस क्रीम की सबसे अच्छी बात है कि आप इसे अगर लगा लेते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें एलोवेरा है और कुकुम्बर है, तो आपके स्किन को मॉइस्चराइज का काम करता ही करता है और साथ ही साथ में सनस्क्रीन का भी काम करता है। सो ये वाली क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस समर्स में ये मेरी फेवरेट है एक्चुअली, आप बोल सकते हैं। सो अगर इसकी बात करते हैं, इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने इससे पहले अपने वीडियो में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसके टेक्सचर की बात करते हैं गाइज, सो ये व्हाइट ही कलर का है बट ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है। मतलब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सनस्क्रीन, एज अ मॉइस्चराइजर और एज अ डे क्रीम। सो गाइज, अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, ये दिखने में वाइट है बट इट इज़ अ टोटली जेल बेस्ड फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है ये टोटली जेल बेस्ड है, ऑयली स्किन पीपल के लिए बहुत अच्छा है। मेरी स्किन इवन तो ड्राई है बट ये मेरी स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करता है, स्किन में फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ ही साथ में एक ड्यूइनेस भी आपकी स्किन पे रहती है जब आप इसे अप्लाई करते हैं, यू कैन सी। एंड अगर इसकी सबसे अच्छी बात करते हैं तो गाइज, ये भी सल्फेट फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री, इसमें कोई भी फ्रेगनेंस नहीं ऐड किया गया है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट फेवरेट, ये है फ्रॉम द ब्रांड न्यूआ। और इस क्रीम की बात करते हैं गाइज, तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्रीम है जिनकी स्किन सुपर डुपर सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन जिनकी स्किन है, यानी जिनकी स्किन पे एक्ने बहुत, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, डस्ट पॉल्यूशन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, तो आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई करें फ्रॉम द ब्रांड न्यूआ। इस क्रीम का जो टेक्सचर है गाइज, इट इज़ इन द जेल टेक्सचर, ये टोटली जेल टेक्सचर की क्रीम है, ये आप देख सकते हैं। एंड अगर इसकी बात करते हैं गाइज, तो इसमें आपको एक्ने से फाइट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर द एक्ने स्किन पीपल। आप देख सकते हैं फटाक से एग्जॉर्ब, कोई भी वाइट कास्ट या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का इसका जेल है। और साथ ही साथ में गाइज, इसमें है नियासिनेमाइड और सेरामाइड जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, काम करता है और आपके स्किन को अंदर से ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और आपके स्किन को क्लियर भी करता है। और गाइज, इस क्रीम की सबसे अच्छी बात है कि ये ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर है, आपके, मैंने आपको बताया है, एक्ने कंट्रोल करता है। तो अगर आप ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन ऑयली है, उन्हें एक अच्छा जेल मॉइस्चराइजर चाहिए जो आपकी स्किन को ब्राइट करे, तो आप इसे जरूर यूज करें।
ओके गाइज, ना लास्ट वन वाला जो है, जो अभी मेरे पास खत्म हो गया, वो मेरे पास है नहीं एक्चुअली, पर वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है समर्स के लिए भी, और वो है पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइजर जो कि ब्लू कलर के पैकेज में आते हैं। मैं उसकी फोटो इधर कहीं लगा दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। एंड गाइज, वो मॉइस्चराइजर बहुत अफोर्डेबल रेंज में आता है, साथ ही साथ में इजिली अवेलेबल है, आप कहीं से भी उसे परचेज कर सकते हैं, शॉप से भी, ऑनलाइन भी, कहीं भी। और साथ ही साथ में आपके स्किन पे, वो ऑयली स्किन पीपल के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन पे सेबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ में आपके स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। सो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम गर्मियों में हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, हमारी स्किन खुद ही ऑयली होती है, पर ऐसा नहीं है। जिसकी स्किन ऑयली है उन्हें जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, जिनकी स्किन ड्राई है इवन गर्मियों में उनकी स्किन पे ऑयल छोड़ रहा है तब भी आप अगर चाहे तो जेल बेस्ड यूज़ कर सकते हैं, इवन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ठंडियों में ड्राई हो रही है, नॉर्मली है, तो भी आप जिस जो भी मैंने बताया इनमें सारे स्किन टाइप के लोगों के लिए मैंने मॉइस्चराइजर बताया, तो आपको इनमें से एक ज़रूर ट्राई करिए, या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं जो आपके फेस पे सूट करता है, मॉइस्चराइजर को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन इन गर्मियों में मस्ट हैव है। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन द केस वीडियो अच्छी लगी और आपको कोई भी मेरी नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड येस हेल्दी हेल्दी खाने खाते रहिएगा, हेल्दी रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।